द ग्रैंड पैलेस, बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ साई वाटिका के पास भोपाल रोड का घर। सागर में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते एक मजदूर की जान चली गई। मामला जैसीनगर थाने के पढ़रई का है, जहां एक खेत में काम करते समय मजदूर 11 केवी विद्युत लाइन की चपेट में आ गया, जिससे मौके पर ही उसके प्राण निकल गए। बार बार शिकायत के बाद भी सुधार नहीं होने की वजह से गुस्साए परिजनों ने भापैल जैसीनगर मार्ग पर चक्का जाम किया और वह मांग कर रहे हैं कि किसान के खेत से ट्रांसफार्मर को हटाया जाना चाहिए। बारिश शुरू होने के बाद भी ग्रामीण तिरपाल ओढ़कर रोड पर बैठे रहे। मिली जानकारी के मुताबिक खेत पर मजदूर शोभापुर अहरवार काम कर रहा था। इसी खेत से विद्युत लाइन भी निकली है, जो काफी नीचे है, इसके तार जमीन से कुछ फीट ऊपर ही है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार विद्युत विभाग में जाकर शिकायत की, लेकिन इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया और यह घटना हो गई। अब पूरे मामले में लापरवाही बरतने वाले विद्युत कर्मचारियों पर कार्यवाही की मांग की है। साथ ही ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि विद्युत विभाग ने पैसे लेकर सिर्फ एक किसान के खेत में ही विद्युत डीपी लगाई है। खबर लिखे जाने तक ग्रामीण जाम लगाए हुए थे। सर लखन अहरवार है। सुबह राम कौन है? मोसिया हमारे। आप कहाँ रहते हैं? हम पड़ा रही में। तो क्या घटना हुई? इधर लाइट के कारण भाई। कैसे लगा करंट? करंट लगा रहे थे, खाद फेंक रही थी। वो कौन है, खाद कौन सी फेंक रही थी? हाँ, फिर? सो सर फेंक रहे थे लाइट के बाहर तार, सो उनके गाड़ी में बेदगा तार। तो इतनी नीचे है तार? वो नीचे 4 फुट है। अच्छा, और कब से नीचे है? वो मार्च की 4 महीने से। तो आप लोगों ने बिजली विभाग में कहीं शिकायत? 20,000 शिकायत करी सबने। किस अधिकारी से? वो तो करी जैसी नगर जब चेक करते सुबह सुनते ही नहीं, ले जाके देते करवा देंगे, कब करवा ही नहीं। हाँ ठीक सर। अब आप क्या चाहते? हमारा सब जो है कि बिजली आप सभाओं की पूरी लापरवाही है। क्या कार्रवाई चाहते? हाँ कार्रवाई, बिजली आप सभाओं की कार्रवाई करवाओ। अच्छा हाँ सर, इनके कारण से भाई है। और जो मृत हो गए उनके कितने बच्चे? उनके बच्चा एक। अच्छा, तो कमाने खाने के लिए अब कौन है? अब कोई नहीं है उनकी। और क्या करते थे? जी मजदूरी करते। क्या नाम है आपका? हमारा गुलाब रानी, राम प्रसाद की पत्नी। जो मृत हुआ वो कौन है? दे हमारे देवल हैं। कैसे क्या हुआ? दे हमारे आए थे दवाई डाल दे, सवेरे 3 दिना से खंगे हैं, लो आवे खाद छिड़क भी आए थे, मजूरी करते हैं सब लोग। किसके खेत में आए थे? यही खेत में जो कौन को है हम मंगल ठाकुर, मंगल ठाकुर को। फिर क्या हुआ? फिर का हुए का पता का हो गया, हमारे पता लगो जब आए थे खाद फेंक रहे थे। इनने जबरदस्ती ले लेके पैसा हम गरीब लोगों से, और इनने डीपी रखवा लिए थे। अब दो बच्चा है, एक लड़की एक लड़का है। शादी हो गई? शादी नहीं भाई, ये बच्ची की हो गई, बच्चा की नहीं भाई। कितने उम्र होगी बच्ची? बच्चा की कितने? 23 साल। अब कमाने खाने नहीं कोई साहब, कोई नहीं। भाई साहब क्या नाम है आपका? हमारा राम प्रसाद अहरवार। जो अभी करंट से मृत्यु हो गई? जी सर। ये मेरा भाई है सर। क्या नाम है उनका? शोभा राम पिता पंचम। कैसे करंट लगा सर? मजूरी को आओ तो मंगल ठाकुर के यहाँ खेत है उनका? नहीं, वो वकील साहब का है, मंगल ठाकुर ठेका पे लिए हुए हैं जी। फिर क्या हुआ? फिर यहाँ मजूरी को आया था, सो मंगल ठाकुर चले गए पैसे उठाने, यूरिया खाद छिड़कने के लिए फेंकने को, सो वो खाद लेने के लिए चले गए पैसे, और कहा कहते जी इसको करंट लग गया सर। करंट कैसे लगा? ये नीचा है इसलिए सर। नीचे है तार? जी सर। जी तार कहां से कहां गए? जी सर इस ट्रांसफार्मर को गए हैं। ये ट्रांसफार्मर अटल ज्योति का है, इनने अपनी ठाकुरबादी में, और सर कौन ने किसने? संतोष और महेंद्र ठाकुर गौरी शंकर पिता जे, इन लोगों ने पैसा दे के लाइन मैन और बिजली बिजली ऑफिस वाले इंजीनियर को 7 लाख रुपया दे के, और अपने यहाँ ट्रांसफर 6 माह पहले सर। कहाँ? 6-2 साल है? नहीं अभी 6 महीना पहले ट्रांसफार्मर धरा गया है सर। फिर जी तार कब से नीचे? जिस तार जब ऐसे है साहब, और बिजली वाले जी चालू कर गए। कितनी नीचे है? कितने फुट? इतनी ही है, 3 फुट करीब।
तो आपने जब जी इतने नीचे हैं जी सर, आप लोग तो खेती वगैरह भी नहीं कर पाते होंगे। हम लोग तो सर इतने आते ही नहीं है, हमारी कोई खेती नहीं है जी, वकील साहब की खेती। हाँ सर जी सर जी सर जी सर, वो जिनकी ठाकुरबादी के मारे कुछ नहीं चल पाता साहब, सब सत जाती, पुलिस सत जाती है साहब, और नेता लोग भी सत जाते हैं। नेता जी से मंत्री जी से कई भी हती, हीरा सिंह भज्जा से सो कई वो सही हो जाएगा, कई वो कुछ नहीं होगा। हीरा सिंह भैया को आवेदन दया दिया था जिला अध्यक्ष, बिजली वालों को इंजीनियर साहब को 200 बार गए सर, पैसा ले लेते हैं उन ठाकुर साहब से और भग जाती हैं सर जी। कम से कम 20 लोग। हाँ, आज थाना जयसिंहगढ़ के ग्राम पड़ रही में एक बुजुर्ग किसान शोभा राम, पिता पंचम अहिरवार, उम्र करीब 50 वर्ष, अपने काम मजदूरी करते समय खेत में खाद छिड़कते समय करंट के चक्कर चपेट में आने से उनकी मृत्यु की जानकारी थाना पर प्राप्त हुई है। थाना पर मर कायम कर लिया गया है और उनकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। सर, परिजन और जो ग्रामीण उनका कहना है, जहां पर करंट लगा है, 11 की भी लाइन है, काफ़ी नीची है, आपने मौके पर आकर देखा तो क्या पाया? अभी हम मौके पर पहुँचे हैं, अभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है और परिजनों के कथन लिए जाएंगे, जो जाँच में जितने जो भी तथ्य आएंगे उसी आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो सर, जो केबल है नीचे, क्या वास्तव में जमीन से कितने फुट ऊंची होगी? बताएं ना, आप भी तो गए थे मौके पे, वो केबल नीचे तो है, क्योंकि अब उसमें करंट की वजह से नापी तो नहीं है अपन ने कितनी हाइट है उसकी, तो उसके लिए भी वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा और बिजली विभाग को भी पत्र लिख किया जाएगा। वक्त हम लोग सागर जयसिंहनगर जो मार्ग है यहाँ पर जाम लग चुका है, आप देख सकते हैं पीछे हमारे, यहाँ पर महिला पुरुष जो सड़क पर बैठ गए हैं, सड़क पर जाम लगा है। आपको बता दें कि यहाँ पर सुबह जो खेत से 11 की भी लाइन निकली थी वो काफ़ी नीची थी, जिसमें खेत में काम करते समय एक मजदूर शोभा राम अहिरवार उम्र 50 साल को करंट लग गया था, उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों का कहना है कि यह विद्युत विभाग की लापरवाही है, क्योंकि परिजनों और ग्रामीणों ने कई बार विद्युत विभाग को शिकायत की थी कि जो 11 केवी की लाइन है काफ़ी नीची है, लेकिन विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने एक ना सुनी और यह बड़ा घटनाक्रम हो गया, और इससे गुस्सा है परिजन अब सड़क पर बैठ चुके हैं। आप देख सकते हैं सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लग चुका है, आप देख सकते हैं ग्रामीण मान नहीं रहे हैं, सड़क पर बैठे हैं। और यहाँ पर बता दें कि शोभाराम है, जो मृतक शोभाराम है, मजदूर थे, उनके दो बच्चे हैं और कमाने वाले परिवार में एक ही थे, तो परिजन काफ़ी आक्रोशित हैं। मैं ब्रजेंद्र कुमार, सागर टीवी न्यूज, जयसिंहनगर। होटल द ग्रैंड पैलेस, बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ शादी समारोह व पार्टियों को खास बनाने के लिए मनमोहक साज सज्जा के साथ स्वादिष्ट खाने का जायका लीजिए हमारे प्योर वेज केटरिंग के साथ। शॉल पार्किंग एरिया, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस, साईं वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।